आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। नमस्कार। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को एक और कामयाबी हाथ लगी है। एक ओर जहां कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, वहीं टीकाकरण के मामले में भारत लगातार नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। भारत ने टीकाकरण के मामले में 90 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। देश में 90 करोड़ कोविड रोधी टीके हैं वो लगाए जा चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। तो ये है भारत की स्थिति आज की डेट में, आज की तारीख में कोविड को लेकर, जिसे हम कोविड अपडेट कहते हैं। इसके बावजूद भी बहुत से सवाल हैं, बहुत से प्रश्न हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, जिसे तमाम भारतवासी जो है जानना चाहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। इसी के लिए हम कोरोना का प्रोग्राम लगातार करते आ रहे हैं ताकि हम अपने सुनने वालों को, अपने श्रोताओं को और भारतवासियों को बता सकें कि कोरोना से किस तरह से आपको अपने आप को, अपने परिवार को और समाज को बचा के रखना है, और अगर आपको कोरोना हो भी गया है तो भी आपको क्या सावधानियां बरतनी है। कोरोना के बाद, जिसे हम पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, अगर उससे आप परेशान हैं तो उसके लिए भी हमारे पास समाधान है। डॉक्टर हमारे साथ होते हैं जो आपके सवालों का, आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। अनुपम प्रकाश आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनुपम, स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर अनुपम। जो देश की स्थिति है आज की, जैसा कि हमने अभी बताया कि लगातार जो है मामले कम हो रहे हैं, टीकाकरण की जो रफ्तार है वो तेज हो चुकी है। 136 करोड़ की जनता में 90 करोड़ लोगों को दो या एक टीके लग चुके हैं। ऐसे में भारत की स्थिति अब आपको क्या नजर आती है कि क्या हम तीसरी वेव, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वो आ सकती है, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन है, और अगर नहीं तो क्या हम हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए नवीन जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो आप, जैसा आपने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए टीकाकरण अभियान में भारत नए कीर्तिमान हर रोज बना रहा है, और इसमें जो सबसे जरूरी चीज, जैसा आपने कहा 90 करोड़ इंजेक्शन लग चुके हैं, तो इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो ये 90 करोड़ इंजेक्शन लगे हैं, ये अगर हम, ये सामूहिक तौर पे पूरे भारतवर्ष की आबादी जो 138 करोड़ है उसमें 90 करोड़ इंजेक्शन लगे हैं, जिनमें से अगर आप मानेंगे तो 138 करोड़ में से एक, मतलब 20% करीब जो है वो उनको दोनों टीके लग गए हैं जी, और करीब आधी जनता को लग गए हैं जो है एक खुराक कम से कम। और इसको अगर आप बच्चों के, जिनको हम अभी टीकाकरण नहीं कर रहे, 18 साल से कम वाले जो उम्र के लोग हैं उनको निकाल देंगे तो ये कहीं ज्यादा नंबर हो जाता है, गिनती हो जाती है। और मेरे ख्याल से इसको आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तरीके से जब सामूहिक इतने ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो जाता है, तो जब तक कि कोई नया वेरिएंट, जो कि टीकाकरण के, मतलब जो टीके लग रहे हैं उनमें जो एंटीजन हैं उनके लिए कारगर नहीं है, तो हम लोग काफी सशक्त हैं, मेरा मानना है आज की तारीख में। और अगर हम लोग ये त्रिकोणीय प्रयास कर रहे हैं कि सावधानी बरत रहे हैं, कि हम मास्क लगा रहे हैं, सामाजिक दूरी बना रहे हैं और निरंतर हाथ धोते रहते हैं, तो इनसे त्योहारों के मौसम के आगमन के बावजूद भी मेरे ख्याल से कोरोना से हम अच्छी तरीके से बच पाएंगे जी। डॉक्टर अनुपम, अब लगभग सभी गतिविधियां खुल चुकी हैं और जैसा कि दिल्ली में भी बात हो रही थी, अब आने वाले त्योहारी सीजन में मंदिर भी खुल जाएंगे और कुछ दिनों बाद पूजा स्थल भी खुल चुके हैं, कुछ दिनों बाद बच्चों को स्कूल भी खोलने की तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में हमें और ज्यादा सावधानी की जरूरत है, बशर्ते कि हम टीका भी लगवा चुके हैं। तो क्या कुछ खास सावधानियां हमें बरतने की इस बार जरूरत पड़ेगी ताकि हम अगली वेव, अगली लहर से बच सकें? देखिए दबीन जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हमें बचना तो बहुत जरूरी है। इसमें दो चीजें हमें समझना चाहिए। पहली चीज कि जो ये वैश्विक महामारी है कोविड-19 की, ये जब आई थी तब हम लोगों को पहले कोई इम्यूनिटी नहीं थी, कोई ग्रस्त भी नहीं था, और ये वायरस नए तरीके से आया, नई अपनी बीमारी लेकर के आया, जो कि एक काफी घनी बीमारी है मैं कहूंगा। और इसको जो है, हालांकि वो होती सिर्फ 5% लोगों में है, लेकिन फिर भी जो दिक्कत है तो दिक्कत तो है, बीमारी तो बीमारी है। और इसको मैं मानता हूं कि जब हमें ये पता है कि ये वायरस जाएगा नहीं,
और उम्मीद यही करते हैं हम लोग कि ये एक बहुत ही लो लेवल पे, एक निचले स्तर पे इसका ट्रांसमिशन एक मरीज से दूसरे मरीज में चलता रहेगा। जैसा कि आज की तारीख में करीब 1.5 से 2% पॉजिटिविटी रेट आ रहा है, तो इस लेवल पे ये रहेगा ही। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग बचने के लिए तैयार रहें। तो और हमें आगे चल करके जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है जी, उसको तो हमें खोलना ही पड़ेगा। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग डर के बैठे रहेंगे तो कभी कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो ये मास्क पहनना है और टीकाकरण लगवाना है, ये बहुत जरूरी है। टीकाकरण लगवाने से हमारी काफी एंटीबॉडीज और हमारी इम्यूनिटी जो है वो एक तौर पे आ जाएगी। और जैसे जैसे टीकाकरण अभियान अब बच्चों में भी शुरू होने की उम्मीद है, तो जब ये हो जाएगा तो काफी हमें अंदर से खौफ भी चला जाएगा और फिर धीरे धीरे तो हमें इसके साथ रहने के लिए आदत डालनी पड़ेगी। जी डॉक्टर अनुपम, आपने बच्चों की बात की कि बच्चों में भी टीकाकरण शुरू हो जाएगा। बच्चों के लिए अब जो टीकाकरण अवेलेबल होगा आने वाले दिनों में, क्या वो टीका वयस्कों को भी लगाया जा सकेगा? देखिए हाँ, ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए बिल्कुल अलग से है। बच्चों में अभी जो चल रही है वैक्सीन, टीका जो चल रहा है, बच्चों में पहले कोई हमने शोध नहीं किया है और बच्चों की इम्यूनिटी जो है हमें अभी पता नहीं है। तो अभी जो 12 से 18 साल के बच्चों में इसका टीकाकरण को एक बार दे करके देखिए, जो वयस्क लोग हैं उनकी इम्यूनिटी पूरी डेवलप हो चुकी होती है, तो उनमें जो है एक अलग तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स होता है। बच्चे जितने हम कम उम्र के बच्चों के पास जाएंगे, उनका उतना ही इम्यून सिस्टम नहीं डेवलप होता है, तो उनको कई बार हमें डोज भी ज्यादा देनी पड़ती है और कई बार जो है उनका जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है वो अलग तरीके से करता है। जैसा कि हमने देखा कि बच्चों में कोविड-19 से इतनी ज्यादा तकलीफें नहीं हुई हैं, और उनको जो दिक्कत हो रही है वो हो रही है कोविड होने के बाद, जो है कुछ दिन बाद, 6 हफ्ते 8 हफ्ते 12 हफ्ते बाद उनको कोई इम्यून वैस्कुलाइटिस वाले इम्यून वाले सिस्टम से कुछ इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो वो हर एक का अपना अपना अलग सिस्टम होता है। ऐसे ही शुरू में जब ये आई थी टीका, तो हम लोग गर्भवती महिलाओं को नहीं दे रहे थे, फिर धीरे धीरे देखा गया कि गर्भवती महिलाओं को देने में कोई बुराई नहीं है, तो उनको हमने दिया है। जो दूध स्तनपान करा रहे हैं माता है, उनको भी अलाउ कर दिया। ऐसे ही अब जो है एडोलेसेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं, 14 से 18 साल के 12 से 18 साल के बच्चे हैं, उनके में टेस्टिंग है और रिजल्ट जहां तक है ठीक ही आ रहे हैं। एक बार औपचारिक रूप से जब बता दिए जाएंगे तो ये भी टीकाकरण अभियान में जो देश का है उसमें ये शामिल हो जाएगा। ऐसे ही फिर और बच्चों के लिए भी खुराकें खुल जाएंगी समय के साथ साथ। डॉक्टर अनुपम, स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले कोविड के टीके लगाए गए थे, शुरुआती दौर की जब बात है, जब 16 जनवरी से ये शुरू हुआ था कोविड टीकाकरण। उसके बाद जितने भी स्वास्थ्य कर्मी थे उन्हें टीके लगाए गए, फ्रंट वॉरियर जिन्हें हमने कहा गया, उन्हें दूसरी डोज भी बहुत जल्दी लग चुकी थी। अब क्या जब उन्हें दोनों डोजेज लग चुकी हैं, वक्त भी काफी हो चुका है, अब उनकी इम्यूनिटी पे क्या कोई असर पड़ रहा होगा या कुछ पड़ेगा, या उन्हें फर्दर कोई टीके की अब जरूरत है? देखिए अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि एक बार टीका लगने के बाद, एक खुराक या दो खुराक लगने के बाद टीका का असर जो है कितने दिन तक रहता है। ये जरूरी नहीं है कि शरीर में, जो मानव के शरीर में एंटीबॉडीज अगर कम हो जाती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन जो है, जो बचाव है वो खत्म हो जाता है। जी कई बार जैसा कि और वायरसेस हमने देखा, हेपेटाइटिस बी वगैरह में, कई बार जो है स्तर जो है, जो हम कहते हैं एक डेफिनेट लेवल है, उसके स्तर के नीचे भी कई बार प्रोटेक्शन बरकरार रहता है। तो ये क्योंकि नई बीमारी है, इस समय इसको कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ एक बार हमारी ज्यादा से ज्यादा जनता जब हो जाएगी, टीकाकरण जिनका हो जाएगा दोनों खुराक से, तो मेरे ख्याल से बूस्टर डोज भी एक बार आम बात हो जाएगी। क्योंकि अभी तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जितनी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको हम सब लोगों में बांट करके, बराबर बांट करके हम अपने सारे पॉपुलेशन को, आबादी को बचाएं। जी अगर हम अभी बूस्टर डोज शुरू करते हैं मान लीजिए, और जबकि हमें नहीं पता है कि वो असर करेगी, लाभदायक होगी या हानिकारक होगी, तो हम बिना अभी कुछ, जो लोग हमारे अभी जैसे आधे लोग मैंने बताया नहीं अभी हमारे वैक्सीनेटेड है, टीकाकरण उन्हें नहीं हुआ है, तो फिर ये जो है रिसोर्स जो है बहुत ही एक अनैतिकतापूर्ण कार्य होगा कि हम बाकी लोगों को नहीं दे करके अपने ही कुछ लोगों को बचाव जारी रख रहे हैं। जी इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे डॉक्टर अनुपम। इस बीच हमारे पहले श्रोता अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं, दिल्ली से अनिल। अनिल जी स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते अनिल जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरे दो सवाल हैं। एक तो सवाल ये है
जैसे 15 सितंबर से हमारे सेकेंड डोज भी हो गई थी जी, उस बीच में जुखाम हो गया और कुछ खांसी हो गई जी, तो जुखाम उखाम तो ठीक है, खांसी हल्की है अभी, तो टीका ले लेना चाहिए या अगर कुछ दिन और इंतजार करते फिर अगर ओवर हो गया तो फिर क्या होगा जी। और दूसरा सवाल ये है सर कि जैसे विद्यालय में जो बच्चे आते हैं अगर उसमें से किसी बच्चे को बुखार है तो ये कैसे पहचान करेंगे कि ये बुखार कोरोना से संबंधित है या आम बुखार जी। जी डॉक्टर अनुपम, ये अनिल जी का सवाल है कि 15 सितंबर को इनकी जो दूसरी डोज है वो ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी इनको कुछ खांसी है, तो क्या इनको कुछ देर इंतजार करना चाहिए टीका लगाने के लिए? देखिए नवीन जी, मैं बिल्कुल इनको हिदायत देना चाहता हूँ कि हल्का फुल्का बुखार जो है उसमें टीका लगवाया जा सकता है। अब इनका बुखार ठीक हो गया, हल्की खांसी रह गई है तो भी टीका जरूर लगवा लेना चाहिए, बिल्कुल देर ना करें, क्योंकि जो हमें अभी पता है तो जल्द से जल्द लगवाना टीका ही जो है बिल्कुल ठीक रहती है बात जी। तो मेरे ख्याल से इन्हें टीका लगवा लेना चाहिए। और डॉक्टर अनुपम, इनका दूसरा सवाल बहुत व्यवहारिक है, हम कैसे पता लगाएंगे कि आज के दौर में कि जो बुखार हमें आया है ये एक सिंपल साधारण वायरल है या कोरोना है या कोई और हमारे को बीमारी है जो आजकल वायरल काफी तेजी से फैल रहा है दिख रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है इनका, और मैं कहूंगा कि बुखार आज की तारीख में 99% जो है वो कोरोना नहीं है, लेकिन ये है कि अगर बुखार के साथ कोई भी लक्षण होता है तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं, और अगर बुखार ज्यादा तेज भी है तो भी डॉक्टर को दिखाएं। आजकल डेंगू मलेरिया ये सब बीमारियां बहुत हैं और कुछ रेयर इन्फेक्शन जो हैं जैसे कि स्क्रब टाइफस वगैरह ये भी देखे जा रहे हैं, तो बुखार अगर ज्यादा तेज है या 2-3 दिन से ज्यादा रहता है तो जरूर जाकर के डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि किस कारण से है। और अगर बच्चा बुखार के साथ अस्पताल विद्यालय आ रहा है तो ये तो बिल्कुल बच्चे को नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम कहते हैं और जो सरकारों ने चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो जो नियम जारी किए हैं स्कूल खोलते समय, तो ये बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया है किसी को भी बुखार हो या किसी को भी नजला जुकाम खांसी हो तो उसको बिल्कुल विद्यालय नहीं आना चाहिए। ये ना सिर्फ विद्यालय के लिए बल्कि सारे जो दफ्तर खुल रहे हैं उनमें भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए एक आदमी भी वो कोरोना है, क्योंकि कोरोना ऐसा नहीं है कि चला गया है समाज से जी, कोरोना है अभी समाज में, और अगर मान लीजिए वो कोरोना वायरस से ग्रसित वो आदमी है या बच्चा है तो पूरे स्कूल में विद्यालय के कक्षा में या कक्षा के बाहर भी या जो भी दफ्तर है उसमें ये फैल सकता है, तो संक्रमण का कारण नहीं बनना है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, हम सबकी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया और विश्व के भी सदस्य होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी के साथ इसका कर्तव्य निभाएं। कुल मिला के एक बेहतर नागरिक का कर्तव्य हमें बनाना है, हमें संक्रमण का कारण नहीं बनना है। डॉक्टर अनुपम की बात का हमें खास ख्याल रखना है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद चलते हैं, वहां से यामीन जी का प्रश्न सुनते हैं। यामीन जी स्वागत है आपका। नवीन सर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब को। नमस्ते यामीन जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल वायरल बहुत ज्यादा चला हुआ है, किसी महिला को वायरल हो जाए जुकाम खांसी बुखार पर नवजात शिशु को स्तनपान कराए या ना कराए? जी डॉक्टर, ये वही प्रश्न है लगभग इनका कि अगर किसी स्तनपान महिला को बुखार हो जाता है तो वो क्या स्तनपान कराए या ना कराए? देखिए इसका आसान सवाल ऐसा आसान जवाब नहीं है, लेकिन एक मैं इसमें जन समुदाय को कहना चाहूंगा कि आप एक साधारण बात ये समझिए कि स्तनपान रोकना नहीं होता है कोई भी बीमारी हो उसमें। इसका मैं उदाहरण ये दूंगा कि जो इवन HIV के भी मरीज होते हैं उनको भी हम स्तनपान कराने से मना नहीं करते हैं। जब नई बीमारी होती है तो हम काफी सोचते हैं, कोविड के मरीजों को भी स्तनपान कराना मना नहीं है क्योंकि कोविड स्तनपान से मां से बच्चे में नहीं पहुंचता है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना होता है कि अगर खांसी आ रही है मां को तो वो कपड़ा या मास्क बांध करके रहे या पल्ले से ढक करके रखे अपना मुंह, जिससे कि खांसने से जो संक्रमण फैलता है वो नवजात शिशु को वो नहीं पहुंचे। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं उनमें जब तक कि बहुत ही ज्यादा बीमार नहीं है मां, स्तनपान रोकने के लिए हम लोग कभी भी हिदायत नहीं देते। जी हमें उम्मीद है कि यामीन जी को अपने प्रश्न का जवाब उत्तर मिल गया होगा। उत्तर प्रदेश के बड़ौत चलते हैं, वहां से महेश जी हमसे जुड़ चुके हैं। महेश जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार।
हमने लगभग आपके 400 प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं मालूम करना चाह रहा हूँ जी, 2 साल से और 6 साल के बच्चे होते हैं, उनको बुखार आ रहा है अधिकतर, वो कोविड का बुखार है, कैसे पता लगेगा? जी डॉक्टर, इनका भी लगभग वही प्रश्न है कि कैसे पता लगाएंगे कि ये कोविड का बुखार है या कोई अन्य बीमारी या कोई अन्य बुखार है। देखिए महेश जी का सवाल बहुत सही है, लेकिन मैं यही दोबारा से दोहराऊंगा कि आज की तारीख में बुखार अगर है तो आप जो मौसमी बीमारियां होती हैं, जो वर्षा से और पानी जो है अगर पॉल्यूटेड होता है, संक्रमित होता है, तो उससे जो फैलने वाली बीमारियां हैं, टाइफाइड है, पानी के कलेक्शन होने से जो इकट्ठा हो जाता है पानी, मलेरिया है, डेंगू है, ये सब बीमारियां बहुत चल रही हैं और ये ज्यादा घातक बीमारियां हैं, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोरोना का इस समय समुदाय में ट्रांसमिशन बहुत कम है, तो अभी कोरोना के होने का चांस बहुत कम है। दूसरी जो जरूरी बात है कि अगर कोरोना है भी तो ये बहुत सीवियर या भीषण तरह का वायरस बीमारी नहीं कर रहा है, ये हल्का फुल्का ही बुखार कर रहा है, इसलिए इससे ऐसी घबराने की बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मास्क नहीं पहने या प्रिकॉशन नहीं लें, सावधानी बरतनी जरूरी है, लेकिन बुखार है तो उसके अन्य कारण जरूर दिखवाएं। डॉक्टर अनुपम, कोविड के बाद भी कई लोगों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि वो धीरे धीरे इससे ठीक भी हो रहे हैं, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। इस बीच हमारे एक और श्रोता डॉक्टर अनुपम हमसे जुड़ चुके हैं, दिल्ली से धर्मवीर। धर्मवीर जी स्वागत है आपका। हेलो धर्मवीर जी। हेलो नमस्कार नवीन। हाँ नमस्कार धर्मवीर जी, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा एक सवाल है, हमारा देश 90 करोड़ टीके लगा चुका है और इस महीने में 100 करोड़ हो जाएंगे, सेंचुरी हो जाएगी। जैसे कि कोरोना ने अपने कई रूप बदले, हमने भी अच्छी तैयारी कर ली, 90 करोड़ हम पहुंच गए, अब कोरोना भी नया रूप लेके आ सकता है, तो इसके लिए हमारे वैज्ञानिक जो आने वाले समय में कुछ इस टीके के ऊपर और कुछ काम कर रहे हैं क्या, इसके ऊपर कुछ और अलग से एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं? और जैसे कि एक दो चीजें जो खासकर देखने में आ रही है 90 करोड़ तक, कि सबको दर्द होता है और बुखार आता है, इसके ऊपर भी विशेषकर आपकी तरफ से कोई भी ध्यान दिया जा रहा है? धन्यवाद जी। डॉक्टर अनुपम, देखिए ऐसा है, इसमें थोड़ा सा ये टेक्निकल सवाल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जन समुदाय के लिए इसे साधारण भाषा में कहने के लिए। जब अब हमें 1.5 साल हो गया है टीवी प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम और अवेयरनेस के लिए, ज्ञान फैलाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो इसमें आपने सुना होगा कि स्पाइक प्रोटीन जो है कोरोना में होता है या एस प्रोटीन होता है, जिससे कि वो चिपकता है शरीर में कोशिकाओं से, सेल्स से, और ये जो स्पाइक प्रोटीन है आज की तारीख में मानव जाति ने इतनी ज्यादा तकनीकी जो है बढ़त हासिल कर ली है कि ये इस वैक्सीन बनाने के लिए ये स्पाइक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करके और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करना जो है, ये एक बहुत ही जल्दी या मैं कहूंगा तेज रफ्तार से इसको जाना गया, ढूंढा गया और इसको निकाल करके स्पाइक प्रोटीन को वैक्सीन बनाई गई। अब जो है जितनी भी वैक्सीन आज की तारीख में है उसमें स्पाइक प्रोटीन का कंपोनेंट या स्पाइक प्रोटीन पूरा का पूरा है, ये जो है ये बेजान कर दिया जाता है तो ये बीमारी करने लायक नहीं होता है, लेकिन ये जो है इम्यूनिटी पैदा करने लायक होता है शरीर में, तो इसी बिना पे, इसी के बेसिस पर जो है वैक्सीन सारी बनाई गई है। अब जो ये कह रहे हैं बहुत सही बात है कि मान लीजिए नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो वैसे ही जैसे डेल्टा वेरिएंट आया था वैसे ही कोई नया वेरिएंट आए जो कि स्पाइक प्रोटीन के बिना हो या जिसमें स्पाइक प्रोटीन टेढ़ा मेढ़ा हो, जो कि कोशिकाओं से चिपकने के लिए अलग तरीके से इख्तियार करे अपना नया तरीका, तो ये बिल्कुल संभव है। तो इसके लिए जब तक चीज आएगी नहीं तब तक विज्ञान कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ जब आएगी और मान लीजिए जैसे डेल्टा वेरिएंट आया था फरवरी मार्च में, तो वो हमें इसीलिए मास्क पहनने के लिए, हम आपको भी अभी मैं तीसरी बार कह रहा हूँ इस आधे घंटे के प्रोग्राम में, तो ये बहुत जरूरी है कि हम बचाव करके रखें, क्योंकि वायरस भी अपना सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करेगा। जैसे कि आपने सही फरमाया कि हम लोग टीकाकरण कर रहे हैं बचने के लिए, वायरस भी अपने वेरिएशन तो आएंगे, हर हफ्ते होते हैं, कौन सा ज्यादा घातक होगा ये हम नहीं जानते हैं, इसीलिए टीकाकरण करना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि इसका ही भयानक वेरिएंट आ जाए जिसमें कि स्पाइक प्रोटीन बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज ना करे। जो डेल्टा वेरिएंट था वो ज्यादा भयानक था, लेकिन उसमें भी
ऐसा नहीं है कि 100% वैक्सीनेशन टीकाकरण जो है फेल हुआ। तो ये अलग अलग वेरिएंट्स रहेंगे, अलग अलग वैक्सीन रहेंगी, और ये तो दुनिया का तरीका है, हर कोई जो है सर्वाइव करने की कोशिश करता है, तो वायरस भी सर्वाइव करने की कोशिश करेगा और हम लोग भी करते रहेंगे। और अब गुरुग्राम से गौरीशंकर जी का सवाल सुनते हैं। गौरीशंकर जी स्वागत है, क्या जानना चाहती हैं आप? सर जी, मेरे माँ का उम्र लगभग 75 साल हो चुका है जी, और उनको हार्ट का बीमारी का लगभग 2.5 साल से इनका इलाज चल रहा है, लेकिन ये जो चल रहा है ना कोरोना का शिकायत, इसमें उनको क्या वैक्सीन लगाना जरूरी है जी? डॉक्टर अनुपम देखिए जी, बिल्कुल वैक्सीन लगवाइए, हम लोग बातें कर रहे हैं, 90 करोड़ लग गए हैं 138 करोड़ में से, तो आपके जो संबंधी हैं वो अभी उसमें हैं जिनको टीकाकरण नहीं लगा है, बहुत जरूरी है कि आप जल्द से जल्द जाकर के वैक्सीनेशन लगवाइए जी। कल अगर खुला है टीकाकरण केंद्र तो कल ही लगवाएं, नहीं तो सोमवार को जाकर के टीकाकरण केंद्र में बाबूजी को जरूर इंजेक्शन लगवाएं जी। हमारे अगले श्रोता हैं मुन्ना कुमार, और इन्होंने हमें फोन किया है कुशीनगर से, इनका हम सवाल सुनते हैं। मुन्ना जी स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार सर। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? देखिए मैं कल वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया जी। हमारे मन में एक शंका है कि लोग ये बता रहे हैं कि बिना खाना खाए या बिना नाश्ता किए वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, क्या ये सही बात है और इससे क्या नुकसान या फायदे होंगे हमको? डॉक्टर अनुपम, ये एक बहुत अहम सवाल है, लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर वो वैक्सीन लगाने जा रहे हैं तो क्या उनको खाली पेट जाना है या कुछ खाकर जाना है, और अगर खाली पेट जाते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है? देखिए टीकाकरण जाने के लिए आप कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जरा सा भी बदलने की जरूरत नहीं है, जिस हिसाब से आप अपना रोज का कार्य करते हैं वैसे करें और टीकाकरण लगवा करके आ जाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आप अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं और आपको पता चलता है, हम लोगों को जैसे पता चला कि टीकाकरण लग रहा है, तो आप ऑफिस का काम छोड़िए, उस समय जाकर के लगवा के आ जाइए। इसका तात्पर्य ये है कि आपको कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है, नाश्ता वास्ता सब बिल्कुल कर करके जाए, ठीक है, भूखे पेट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोगों को खौफ होता है इंजेक्शन लगने का, वो सब चीजें भूखे पेट ज्यादा दिक्कत करती हैं, तो अपना हल्का फुल्का नाश्ता करके जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है, और सब कुछ कर सकते हैं, और टीकाकरण के बाद भी सब कुछ कर सकते हैं, पैदल जाते हैं तो पैदल जा सकते हैं, कार चला के जाते हैं तो कार चला के जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, साधारण चीज है, जाकर के एक टीका लगवा करके आना है, और कल आप जा रहे हैं उसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जी। तो आपको कुछ नहीं करना है, खा पी के जाइए और एक पिकनिक की तरह अपना टीका लगवाइए और आ जाइए जी। डॉक्टर बिल्कुल, मध्य प्रदेश रीवा और हमारे लिस्नर्स हैं वीरेंद्र। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका। हाँ सर नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ सर, हम दो छोटे छोटे सवाल हैं। कहिए। पहला सवाल ये है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है और उसको पता भी नहीं है कि मुझे कोरोना है और वो वैक्सीन ले लेता है तो उसमें क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि लोगों को कोरोना की भयानक स्थिति देख कर भी जागरूक नहीं हुए और लापरवाही कर रहे हैं, तो उनके लिए डॉक्टर साहब क्या संदेश देना चाहते हैं? जी डॉक्टर, पहला तो अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है, उसे पता नहीं है कि उसे कोरोना है और वो वैक्सीन ले लेता है, तो क्या इफेक्ट उसको हो सकते हैं? देखिए टीकाकरण जो है वो एक, हम बाहर से जैसा मैंने बताया हम एंटीजन देते हैं जिसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनती है, और अगर किसी को कोरोना होता है तो वो स्वाभाविक नेचुरल इन्फेक्शन है, संक्रमण है, तो उससे बनेगा वायरस, एंटीबॉडी इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर किसी को एसिम्प्टोमेटिक है तो वैक्सीन लगवाने में लगवा लेना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई नुकसान नहीं है ऐसा, उसमें अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं पता चला है कि कोई नुकसान है, तो इसलिए उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन से इम्यूनिटी हो सकता है कम बने, नेचुरल इन्फेक्शन ज्यादा बने, या उल्टा हो सकता है, तो वो लगवाने में कोई बुराई नहीं है उसमें जी। दूसरा इनका सवाल था, सर दूसरा इनका सवाल था, कह रहे हैं कि लोग अभी भी एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहे हैं। वो भी मैं नवीन जी इस प्रोग्राम में 3-4 बार कह चुका हूँ कि वो बहुत जरूरी है। मैं फिर से संदेश यही देना चाहूंगा कि ये नहीं सोचें कोरोना हमारे मध्य में ही है और हमें अभी इसके साथ अभ्यस्त होना है। टीकाकरण एक बहुत ही अच्छा जो है हथियार है जिससे हम इसे ब्लंट कर सकते हैं या शिथिल कर सकते हैं, तो टीकाकरण जरूर लगवाएं
और बाकी जो है मास्क पहन करके सामाजिक दूरी बना करके रखें, ये बहुत जरूरी है। एक बार सबको टीकाकरण लग जाएगा तो काफी हद तक हम लोग जो है थोड़ा ठीक रहने की उम्मीद रखते हैं जी। और ये टीकाकरण ही है कि अब देश में जो स्वस्थ होने की दर है वो 97.86 जो है प्रतिशत पहुंच चुकी है, और वर्तमान में 273,000 से अधिक कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कि 197 दिनों में सबसे कम संख्या है, ये आधिकारिक आंकड़ा है। बहरहाल दिल्ली से सुरेंद्र सिंह जी का सवाल सुनते हैं। सुरेंद्र जी स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ सुरेंद्र जी क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते। हाँ सर, मैं सुरेंद्र सिंह रावत हूँ, सेक्टर 16 रोहिणी दिल्ली से। जी कहिए। मुझे दोनों डोजेज काफी पहले लग चुकी है, लगभग 6 महीने का अंतराल हो गया, दोनों डोजेज लग चुकी है मुझे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो दोनों डोजेज मुझे लग चुकी है, लगभग 6 महीना हो चुका है, तो इनकी इम्यूनिटी या इनकी एंटीबॉडीज कितने समय तक कायम रहेगी हमारे शरीर के अंदर? जी डॉक्टर, इस प्रश्न पर हम पहले भी चर्चा कर चुके, एक बार फिर आपके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या कुछ हो सकता है अगर हमने जो टीके जो हैं बहुत पहले लगवा लिए हैं और करीब 6 महीने पहले लगवा चुके हैं दोनों डोजेज, तो क्या अब इम्यूनिटी कम हो जाएगी, एंटीबॉडीज कम हो जाएंगी? रावत जी, अभी हमें इसका इतना नहीं पता है, लेकिन 6 से 9 महीने आमतौर पर रहने की उम्मीद करते हैं हम लोग इम्यूनिटी की, और अभी बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे ख्याल से 2-3 महीने में खुद ब खुद गाइडलाइंस जो है आ जाएंगी कि हमें जो है बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत है या नहीं। तो अभी बेफिक्र रहें और सामाजिक दूरी और अपना मास्क पहनते रहें, ये इम्यूनिटी एकदम से गायब नहीं होना चाहिए, चलती रहेगी, चिंता ना करें। डॉक्टर अनुपम, वक्त हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास थोड़ा सा वक्त हमारे पास कम है, तो चलते चलते अब हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों के लिए, आने वाले त्योहारी सीजन के लिए लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे टीकाकरण के साथ साथ, कि वो अपने आप को, समाज को और अपने परिवार को कोरोना से मुक्त रख सकें? देखिए, मेरा मानना है त्योहार का सबसे बेहतरीन तोहफा जो होगा ये होगा कि हम सबका, अपने रिश्तेदारों का टीकाकरण करवाएं, बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा, बच्चों का टीकाकरण करवाएं, और सामाजिक दूरी बना करके मास्क जरूर पहनते रहें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं जहां तक हो सके। तो ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, दिक्कतें नहीं है, काम वापस करना शुरू करना पड़ेगा, लेकिन संभल करके करें, और किसी को भी लक्षण है तो जैसा कि आपने कहा नवीन जी, जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने को अलग कर लें जब तक बुखार ठीक नहीं हो जाता, चाहे वो डेंगू का हो, मलेरिया का हो या कोरोना की वजह से हो, तब तक अपने को अलग करके रखें, बाकी अपने घर वालों से भी, परिवारजनों से भी, और दफ्तर में भी या सड़क पर भी। जी डॉक्टर अनुपम, इस संदेश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाएं शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दें कि देश ने 90 करोड़ कोविड रोधी टीकाकरण का जो आंकड़ा है उसको पार कर चुका है, और पिछले 24 घंटों के दौरान 24,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि जो स्वस्थ होने की दर है वो 97.86% हो चुकी है, और कल जो है 25,000 से ज्यादा लोग जो है वो अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के सिर्फ 33 नए मरीजों का पता चला है। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है कि कोरोना जो है वो समाप्त हो चुका है, कोरोना अभी भी हमारे बीच में ही है। और अपने इस कार्यक्रम में हमने लगातार आपको बताया है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि सभी तरह के एप्रोप्रिएट जो भी कोरोना का बिहेवियर है उसका पालन करना है, मास्क लगा के रखना है, लगातार हाथ धोते रहना है और 2 गज की दूरी बना के रखना है। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही, मुझे यानी नवीन को दें इजाजत, नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।